नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार जेट। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को फलीता लगाते पोल्ट्री फार्म, जहां एक और केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रात दिन काम कर रही है। वहीं कुछ पोल्ट्री फार्म संचालक प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को फलीता लगाने में जुटे हैं। मामला बिल्हौर तहसील अंतर्गत ककवन ब्लॉक के अहमदपुर नदीहा गाँव का है। हम बात कर रहे हैं बिल्हौर तहसील अंतर्गत ककवन ब्लॉक के अहमदपुर नदीहा गांव की, जहां पोल्ट्री फार्म चलने से ग्रामीणों समेत विद्यालय के विद्यार्थी भी इसके प्रदूषण से बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आलम यह है कि अब ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कतराने लगे हैं। सुना आपने, यह पोल्ट्री फार्म किस तरह से बीमारियां फैला रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ ग्रामीणों द्वारा हिम्मत करके इसकी शिकायत ग्राम प्रधान व स्कूल की शिक्षिका से की गई, तो पोल्ट्री फार्म संचालक ने अपने साथियों के साथ चौकी इंचार्ज को साथ ले जाकर ग्रामीणों से अभद्रता की व भविष्य में दोबारा शिकायत ना करने का दबाव भी बनाया। पोल्ट्री फार्म के खिलाफ ग्राम प्रधान व शिक्षिका द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। अब देखना है कि इन दबंग पोल्ट्री फार्म संचालकों पर प्रशासन शिकंजा कसता है या यूं ही प्रशासन के सारे दावे हवा हवाई साबित होते रहेंगे। समाचार टीजेट के लिए कानपुर से सहनूर अख्तर की रिपोर्ट। हमारी बिटिया हमेशा यहाँ बीमारी रहती है। क्या कारण है पता? यही गंदगी उड़ती है या जो भी कुछ होता हो, इसी से कीटाणु फैलते हैं, इसी कारण बस हमारी बिटिया बीमार रहती है। अच्छा, तो इसकी शिकायत नहीं हम गांव वाले करते हैं? गांव वाले किससे करें, कोई सुनता ही मैडम जी ने एप्लीकेशन कहा, मैडम जी एप्लीकेशन दी है, पीआरसी में दी है, उससे कोई कार्रवाई तो की नहीं गई, दो ढाई महीने हो गए। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? जी। क्या नाम है आपका बच्चा? दा। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि आपने शिकायत की थी, इसके बाद आपको धमकाया गया था, क्या मामला था उसका? ये कल हम शाम को गए थे, बबलू भी साथ में था और वो गुड्डा था पुत्ती का लुंडा, तो वहाँ समोसा भी जगह ले रहे थे, लिए तो ये बोला कानला को कि ये हमसे, बबलू बोले चौकी चलना है, तो वो क्या करें, चल कानला आपका नाम उसमें है, हमें तो पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बोले कानला के ये गुड्डा बोला राजनीति करते हैं, अब कान की गांठ तोड़ना पड़ेगी हमको। कौन बोले? ये गुड्डा कौन है? ये मुर्गी फार्म वाले हैं? नहीं, वो इन्हीं साथ में था। अच्छा, मुर्गी फार्म वाले के सहयोगी। अच्छा, अच्छा। बताते हैं चौकी इंचार्ज साहब ने आके कई लोगों का दबाव बनाया, तो पूछ रहे थे तो बात की आपने साइन किया, पुलिस के दबाव बना दिए इस पर, आ रहे क्या पुलिस वहाँ भी गांव भी गए थे। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आपने साइन किए नहीं, कि जो कहीं किए वो बताइए, तुमको हमें क्या मालूम कहा, अब मैडम जी ने एप्लीकेशन दी हमसे, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या था तो मैडम जी ने मुझसे शिकायत की, यहाँ इतनी ज्यादा बदबू आ रही कि हम लोगों को यहाँ बैठना दूभर है, तो हमने कहा कि आप जो है शिकायत करिएगा, तुम लोग रहते हम तो रहते नहीं, हम सहयोग करेंगे आपका। तो इन्होंने शिकायत की और फिर इसके साथ हम लोगों ने भी शिकायत की, और इसके बाद मैडम पे इतना बड़ा दबाव बनाया गया है कि मैडम वहाँ बोलने से मुश्किल है, इतने शेरे फुस्त व्यक्ति हैं जो मुर्गी फार्म चला रहे हैं, कि जिससे कि कोई आदमी कह नहीं सकता सामने। क्या ये दबंग है जिनका मुर्गी फार्म है? दबंग भगत के हैं, और एक के अलावा जो इनके खिलाफ बात कर देता उस पर चढ़ाई करने की बात करते हैं, हमको भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, आपने शिकायत जो की है उसके बाद क्या कोई जांच बैठी, कोई अधिकारी आए? नहीं, कुछ लोगों ने, डॉक्टर साहब एक दिन आए हैं, उन्होंने भी मना किया है, सुना है पशु चिकित्सालय ककवन के, हम सुना है, लेकिन उनसे जो है बात नहीं हुई है। उसके बाद क्या कुछ बंद हुआ? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बंद हुआ है, लगातार विषय जारी है, केवल एक संतोष दिखाया जा रहा है, चूँकि इंचार्ज कल आए थे, अब वो अपने साथ में इनको ले करके मुर्गी फार्म मालिक को और लोगों को हड़का रहे थे, जो लोगों ने कह दिया कि ये बहुत गलत है, बदबू आती है, यहाँ बीमारी फैल रही है। क्या कह रहे थे, किस तरह से हड़का रहे थे चौकी इंचार्ज? उनको चौकी इंचार्ज उनको हड़का रहे थे कि अगर आप इनके सपोर्ट में नहीं कहेंगे तो आप भी समझ लें। अच्छा। और आप इनके सपोर्ट में बयान दें और लिखित बयान दें। जब आपने शिकायत की इसकी तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा चल रहा है, उसमें कुछ आगे कार्रवाई अभी समझ में नहीं। क्या लग रहा है आपकी शिकायत के बाद कोई कार्रवाई एक्शन में लोग आएंगे? अब कुछ सही सीधा समझ में नहीं आ रहा अभी। तो मिड डे मील जो ये बनता है, बच्चे जो खाते होंगे, बदबू वगैरह भी आती नहीं? बदबू का इतनी हवा चल जाती तो बच्चे उसको छोड़ देते हैं।